साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत। म्यूजिक पर नहीं, मैं तुम्हें इशारों पर नचाऊंगी मेरी जान। कबूतर आ, 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 आ। अरे बेटे तेरा कबूतर नानी के यहाँ गया है। तो जाने ना दूंगा। अब इसे मैं बताऊंगा कि किसी मासूम के दिल से खेलने का नतीजा क्या होता है। इसे खेलना है ना, खेलते हैं। क्या हो गया? मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ ना। तो क्या हो गया? तुम्हारा दिल तो साफ है। मेरी तबा तेरा नखरा कमाल है, तारीफ करने में तुम बड़ा बेमिसाल है। सोने सोने मुखड़े। हेलो बेबी, आ रही हो ना तुम मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ हाँ बस आ ही रही हूँ। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? तुम बस मेरी इज्जत करो, मेरा कहना मानो, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। अपनी तो जैसे तैसे तो ये वीडियो सभी लड़कियों के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि लड़की होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लड़कियां अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा तेज चले तो दुपट्टा उड़ने का डर, बचपन में माँ बाप का डर और जवानी में गैर मर्दों का डर। जी हाँ, वो डरती हैं। तब तक डरती हैं जब तक उनको उनका जीवन साथी ना मिल जाए, फिर उस जीवन साथी से वो सब का बदला लेती हैं। तुम बाहों में हो और हम हद में रहें।
मोहब्बत में कोई इतना शरीफ भी नहीं होता। अरे तुम यहाँ पे तो बाथरूम में। अरे वो तो मेरी जुड़वा बहन है। आयो रे माँ। एक ही जन्म में दे दिशा तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। मम्मी जी 10 रुपए का गुड़ ले आना। ओ मेरी हीरे तू जग जग जीवे। क्या नंदू इस घर के आगे खड़ो के बड़ा हूं कर रहा है? हाँ वो अपने क्लास वाली रिया रहती है ना इस घर में। क्या हुआ फिर तेरा? वही चूतिया आशिकों वाली बीमारी, वन साइडेड लव। चूतियों वाली बीमारी? इतना टाइम खर्च कर दिया यार इसके पीछे। यहाँ कब से खड़ा है? यही कोई 2 घंटे से। और रोज कितनी देर खड़ा रहता है? रोज 2-3 घंटे। क्यों? यहाँ पे खड़े होने के लिए तेरे पास टाइम है, लेकिन पढ़ लिख के सरकारी जॉब लेने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। अबे क्या बकरा है? वो देख इसके पीछे पूरी फौज पड़ी हुई है, फौज। और तेरी क्रश पड़ी हुई है सरकारी जॉब वालों के पीछे। दांत मत फाड़, तू दिन में 2 से 3 घंटे SSC की कोचिंग पढ़ के अपनी क्रश को हमारी भाभी बना सकता है और खुद को इस वन साइडेड लव के चुतियापे से भी बचा सकता है। यानी कि एक सरकारी नौकरी से रिया और रिया के पापा से मोटा दहेज दोनों पा सकता है। अब सोच और हंस। हीरोगिरी लड़की के घर के बाहर खड़े होकर बाइक से हूं करने में नहीं, सरकारी जॉब लेने में।